जो सीयूईटी एडमिशन को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट है, ध्यान से सुनो कि सीयूईटी की एडमिशन किस मार्क्स के बेसिस पे होगी। जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी कि आपकी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो आपकी आई है, या फिर एनटीए मार्क्स, एनटीए स्कोर भी कह लो उस पे, या फिर जो आपकी परसेंटाइल आई है सीयूईटी की आपकी जो रिजल्ट में उसमें, क्योंकि रिजल्ट में आपको दो चीज दे रखे हैं, तो यहां पे साफ इस बात को क्लियर कर दिया गया है यूजीसी के द्वारा कि आपकी जो एडमिशन होगी वो आपकी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग होगी, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी के अंदर एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी में होगी। अब आपको अपनी परसेंटाइल देख के ज्यादा मतलब खुश होने की या दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा पूरी ध्यान होना चाहिए कि आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या है, आपने 800 में से कितना स्कोर करा, 400 में से कितना स्कोर करा, 500 में से कितना स्कोर करा, उसके हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। लेकिन 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 अभी भी आप परसेंटाइल को देख के थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो कि आपका किस लेवल में है आपकी पोजीशन, क्या आपकी एडमिशन हो सकती है, नहीं हो सकती, वो एक रफ आइडिया, एक ब्रीफ आइडिया आपको नहीं मिलेगा उससे, बस ऊपर ऊपर से पता चलेगा। लेकिन अगर जब आप उसकी एक्चुअल स्कोर पता नहीं आपको, तो आप उसमें अपनी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को अच्छे से एनालाइज करो। वो चीज मैं भी आपको बताऊंगा कि आपकी कहां एडमिशन होगी, कहां नहीं होगी, उसके लिए मैं लाइव आऊंगा। लाइव आके आप मेरी लाइव को ज्वाइन करना, कल भी मैं लाइव आऊंगा एंड कल मैं लाइव आपकी चेकिंग करूंगा नंबर की, आपकी मार्क्स की, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की, और आपको बताऊंगा कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन होगा, किसमें नहीं होगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत बड़ी अपडेट है, अपने दोस्तों को भी बता देना जो जो सीयूईटी दिया है, एंड मेरे लाइव में चले आना, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में मिलकर फोड़ देंगे कोई भी कॉलेज बड़ी से बड़ी। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा बाय बाय।